नया साल शुरू होने के साथ आपके लिए खर्च और महंगाई के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ बुरी खबरें भी, लेकिन साल की शुरुआत हमें गुड न्यूज से करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रणव। खर्च और बचत से जुड़े हमारे स्पेशल शो खर्च बहादुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं इन अच्छी और बुरी खबरों के साथ। नए साल पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाई। बढ़ी हुई दरें 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी रकम पर लागू होंगी। सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट्स और फिक्स डिपॉजिट पर 50 बेसिस पॉइंट्स तक की वृद्धि। नई दरें 1 जनवरी से लागू हुई। बैंक ने इससे पहले 20 दिसंबर 2022 को भी बढ़ाई थी एफडी पर ब्याज दरें। पीएनबी के साथ सरकार ने भी नए साल का तोहफा दिया है। छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसा जमा कर पूंजी बनाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है अच्छी खबर। वित्त मंत्रालय ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए कुछ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है। सरकार ने जनवरी मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज दरों को 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया है। सबसे ज्यादा ब्याज दर 1 साल, 2 साल और 3 साल की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम पर बढ़ा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अब 8% की दर से मिलेगा ब्याज। अब ये सबसे ज्यादा ब्याज वाली स्कीम बन गई है। नए साल में कई चीजों के बढ़ सकते हैं दाम। बीमा से लेकर कार और मोबाइल तक सब कुछ महंगे होंगे। 1 जनवरी से हर तरह के इंश्योरेंस को खरीदने पर KYC यानी नो योर कस्टमर कराना अनिवार्य हो रहा है। इससे बढ़ सकता है इंश्योरेंस का प्रीमियम। नए साल से फोन कंपनी को सभी आयात और निर्यात होने वाले फोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बढ़े रजिस्ट्रेशन शुल्क का असर स्मार्टफोन की कीमत पर पड़ेगा। नए साल में कारों के भी दाम 2 से 4% तक बढ़ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर प्रोसेसिंग फीस भी 1 जनवरी से बढ़ जाएगी। महंगाई के मोर्चे पर एक और बुरी खबर, फ्रिज और सीलिंग फैन महंगे होने वाले हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार रेटिंग नियमों को और सख्त किया। फ्रिज के लिए स्टार रेटिंग की प्रक्रिया बदली गई। देश में अब बनेंगे और बिकेंगे केवल स्टार रेटिंग वाले सीलिंग फैन। इन नियमों में बदलाव से फ्रिज के दाम 2 से 5% बढ़ जाएंगे। सीलिंग फैन की कीमतें में 7 से 8% बढ़ सकती हैं। कर्नाटक के मैसूरू में बिजली का बिल अब प्रिंटेड QR कोड्स के साथ आएगा। चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू की है ये सेवा। लोग अब बिजली बिल पर प्रिंटेड QR कोड को स्कैन कर सीधे अपना बिल पे कर सकते हैं। इस तरह से बिल पे करते ही लोगों के स्मार्टफोन पर आ जाएगा इंस्टेंट मैसेज। अब पावर डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल पर या फिर किसी पेमेंट सेंटर पर बिल पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं। गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। कई बार पुराने गैजेट्स इतना पैसा पीने लगते हैं कि उन्हें बदलना ही आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन इस एक्सपायरी डेट का पता कैसे चले, कैसे मिले वे संकेत कि अब और नहीं, अब तो नया सामान लेना ही एक बेहतर सौदा है। तो इसके बारे में जानने के लिए पेश है हमारी इस हफ्ते की खास रिपोर्ट। चलिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। शालिनी का 6 साल पुराना लैपटॉप खराब हो गया। शालिनी उसे रिपेयर कराने गई तो सर्विस सेंटर ने लंबा चौड़ा एस्टीमेट बता दिया। उनको लगा कि इतने में तो नए लैपटॉप की डाउन पेमेंट कर देंगी। और पुराना लैपटॉप पहली बार खराब नहीं हुआ बल्कि कई बार हो चुका है। कभी उसके इंटरनल हार्ड डिस्क में दिक्कत आई तो कभी बैटरी ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर देखें तो ये संकेत हैं कि शालिनी का लैपटॉप अपने एक्सपायरी डेट को पार कर चुका है। बाकी सामान की तरह ही गैजेट्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन उसे समझेंगे कैसे? प्रोडक्ट्स के ऊपर तो ये लिखकर आता नहीं। अब शालिनी की तरह अगर आपके भी लैपटॉप, एसी, टीवी, कैमरा, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन या किसी और तरह के गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस स्लो हो गए हैं और उनका रिपेयर कॉस्ट आपका बजट बिगाड़ रहा है, तो उनकी लाइफ और एक्सपायरी को अच्छे से समझने में ये रिपोर्ट आपकी मदद करेगी। शालिनी के लैपटॉप की कहानी से तो आप समझ ही गए होंगे कि पुराने लैपटॉप को कब टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। इसी तरह अलग अलग गैजेट्स की बात करें, जैसे अगर आपका पुराना एसी काफ़ी बिजली खा रहा है, बिजली बिल इतना आता है कि 5-6 महीने के बिल में नया 5-स्टार रेटिंग वाला एसी ही आ जाए, बार बार गैस बदलनी पड़ रही है, कभी
कंडेंसर खराब हो रहा है, तो कभी एवेपोरेटर कॉयल। तो मानिए ये संकेत हैं एसी के एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचने के। इसी तरह टैबलेट की लाइफ भी अधिकतम 3-4 साल की होती है। आपके टैबलेट की बैटरी अगर तेजी से ड्रेन हो रही है, बार बार सॉफ्टवेयर फेल्योर हो रहा है, टैबलेट ओवरहीट हो रहा है, उसका टच स्क्रीन स्लो हो गया है या फिर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो ये उसे बदलने का समय है। स्मार्टफोन के साथ भी कमोबेश ऐसी ही दिक्कतें हो सकती हैं और यही अलार्मिंग साइंस है। वहीं डेस्कटॉप कंप्यूटर की लाइफ 6-7 साल होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर की सिक्योरिटी आउट ऑफ डेट चली जाए, मौजूदा हार्डवेयर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन के साथ काम ना कर पाए, एप्लीकेशंस के लोड होने में काफ़ी समय लग रहा हो, हार्डवेयर रिपेयर में भी काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हों, तो समय आ गया है बदलाव का। टीवी की लाइफ भी 7-10 साल हो सकती है। ये आपके इस्तेमाल के तरीके पर भी निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपग्रेड चाहते हैं तो फिर टीवी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए बेसिक टीवी के बाद स्मार्ट टीवी आया, फिर एंड्रॉयड, अब उसमें भी LED टीवी, OLED और QLED जैसे वर्जन्स हैं। स्मार्ट टीवी की मरम्मत एक अलग दिक्कत है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं फैलाना चाहते, टीवी से लगाव है तो ठीक है, लेकिन कई बार रिपेयर का कॉस्ट नए टीवी की कॉस्ट से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अपनी टीवी की उम्र और रिप्लेस किए जाने वाले पार्ट्स के आधार पर पुराने टीवी की जगह नया टीवी घर में लाना ज़्यादा किफ़ायती है। आखिर में सभी गैजेट्स की एक साथ बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका गैजेट काफ़ी स्लो है, मैन्युफैक्चरर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तकनीकी बदलाव आ गए हैं और आप वित्तीय रूप से सक्षम हैं और अपग्रेड चाहते हैं, तो फिर पुराने को छोड़कर नए गैजेट की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जाते जाते हम आपके गैजेट्स की लाइफ बढ़ाने से जुड़े कुछ टिप्स आपको देना चाहेंगे, तो उन्हें ध्यान से सुने। अपने गैजेट को ओवरचार्ज करने से बचें, इससे गैजेट की बैटरी पर बुरा असर पड़ता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसे गैजेट्स के साथ एक आम दिक्कत बैटरी की लाइफ से जुड़ी होती है। रात रात भर चार्ज पर लगाकर छोड़ देने से भी आपको बचना चाहिए। कभी भी अपडेट्स को न टालें। अगर आप अपने गैजेट की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो अपडेट जैसे ही स्क्रीन पर पॉपअप हो अपडेट करना चालू कर दें। अपडेट्स आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने में मदद करते हैं और आपके डिवाइस की सिक्योरिटी में लगातार सुधार होता है। अपने गैजेट्स की सफाई करते रहें। गैजेट्स को साफ रखने से भी उसकी लाइफ बढ़ाने में मदद मिलती है। सफाई करते समय भी इस बात का ख्याल रखें कि सफाई के लिए आप साफ और हल्के सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही अच्छे ब्रांड के सरफेस क्लीनर लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में एक और काम की बात, अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल के कैपिटल बी यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल हमें भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पर। आप money9query@tv9.com पर अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात जो है रियल एस्टेट से जुड़ी। प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखें Money9 का वीकली शो मकान दुकान। लेकिन ये शो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा Money9 ऐप, तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ये ऐप। तो खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे इस शो में। नमस्कार।